हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। मेरी आज की रेसिपी है मोरक्कन चिकन रोल्स और ये ओवन में बनने वाली डिश है जिसे मैंने विदाउट ओवन पैन में बनाया है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ये रोल्स दिखने में तो बड़े ही प्यारे प्यारे दिखते हैं और इसे बनाना भी उतना ही ईजी और उतना ही प्यार भरा है। तो ये देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने लिए हैं 2 चिकन के पूरे फुल ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं और ये दोनों मिला के 1 किलो है और थोड़ा सा कीमा लिया है मैंने। कीमा करीब 200 ग्राम है। ये दोनों को मिलाकर इस कीमे के साथ में देखिए मैं इस डिश को किस तरीके से बनाने वाली हूँ और वो भी विदाउट ओवन। तो जिनके पास ओवन नहीं है वो लोग भी खुश हो जाएं और जो लोग ओवन में बना सकते हैं वो आराम से इसे ओवन में भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, कीमा लिया है। अब चिकन ब्रेस्ट को मैं देखिए कैसे प्रोसेस करके रोल के अंदर कन्वर्ट करती हूँ। तो ये मैंने एक प्लास्टिक शीट ले ली और इसके ऊपर मैंने एक ब्रेस्ट पीस को रख दिया है और अब मैं इसे इस तरीके से कवर करूँगी और मैं इसकी पिटाई शुरू करूँगी क्योंकि मुझे इसे फ्लैट करना है। इसे फ्लैट करके इतना बड़ा सा स्लाइस बनाना है, बहुत बड़ा सा स्लाइस बनाना है। कम से कम नहीं तो 10 से 12 इंच का स्लाइस ये बन जाएगा। तो इसे इस तरीके से इसकी ऐसे पिटाई करनी है बड़े प्यार से। तो बड़े प्यार से इसकी पिटाई करके इतना बड़ा कर दिया, इसे फोर्क से चुभो देंगे। फोर्क से चुभोने से इसमें मसाला अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। वैसे तो उसकी इतनी पिटाई हो गई है कि उसमें मसाला बड़े आराम से सोक हो जाएगा, मींस उसके अंदर बैठ जाएगा। इसे अच्छे से पिटाई करना है लेकिन बड़े प्यार से पिटाई करना है, ऐसा नहीं पीटना है कि वो पिस जाए। तो ये मोटा सा ब्रेस्ट पीस पिटाई होके फ्लैट हो गया और मैंने इसे दूसरी साइड से भी मैं इसे चुभो दूंगी। ये देखिए, जिसकी पिटाई नहीं हुई है वो ब्रेस्ट इतना छोटा है और जिसकी पिटाई हुई है वो इतना बड़ा है। तो बस ये आपके रेफरेंस के लिए था। इसे थोड़ा थोड़ा फिर से चुभोएंगे और थोड़ा थोड़ा कहीं और भी जहाँ ज़रा थोड़ा मोटा रह गया है वहाँ उसकी पिटाई करके इवनली प्लेन कर देंगे। तो ये देखिए, इसे इवनली प्लेन कर दिया। इसे पलट के दूसरी साइड से भी फोर्क से होल कर देंगे तो उससे क्या होगा कि फोर्क से होल दोनों तरफ से हो जाएगा और जब मैं उस पर मसाले लगाऊंगी, क्योंकि मसाले बहुत थोड़े से लगाने हैं उसमें, तो वो मसाले उसके अंदर आराम से चले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना है। ये बहुत सिंपल सी कम मसालों वाली रेसिपी है और सभी लोग इसे खा सकते हैं। ना ही इसमें ज़्यादा मसाले हैं ना ही इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह है। तो बहुत ही सिंपल सा है लेकिन बहुत टेस्टी है, तो आप बनाइएगा ज़रूर इसे। मैंने दूसरा ब्रेस्ट पीस भी ले लिया, उसे चुभो लिया है, उसे भी ऐसे कवर करूँगी और इसकी भी पिटाई करूँगी बेलन से और इसे भी उतना ही बड़ा फ्लैट कर दूँगी, बड़ा सा फ्लैट स्लाइस बना दूँगी। तो ये हो गया, दोनों पीसेस को मैंने फ्लैट कर दिया है उसे बेलन से पिटाई करके और वो बहुत आराम से पतला सा स्लाइस बन गया है और अब वो बिल्कुल तैयार है रोल होने के लिए। तो मैं अब उसमें मसालों को लगाऊंगी और रोल करना शुरू करूंगी। तो ये देखिए, दोनों पीसेस आप देखिए, दोनों पीसेस एक बराबर हो गए हैं। अब मैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक फोइल का पेपर ले लिया, फोइल पेपर का शीट ले लिया है मैंने और उसे इतना बड़ा लिया है कि ये उसके अंदर अच्छी तरीके से रैप हो जाए। इसे इसके ऊपर मैंने सुला दिया है, लिटा दिया है और इसके ऊपर मैंने नमक छिड़क दिया है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। उसके ऊपर से, नमक के ऊपर से मैंने डाली थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और ये मैंने अच्छी तरीके से ये मसाला छिड़क दिया है। इसके ऊपर छिड़क देंगे नींबू का रस और नींबू का रस डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कीमा। मसालों को थोड़ा सा हाथों की मदद से उसके ऊपर रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद उसे पलट देंगे। पलट दिया और दूसरी साइड से भी नमक, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर और नींबू का रस छिड़क देंगे ऐसे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बस ऐसे ही। ये इतने सिंपल मसाले हैं लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये कीमा जो मैंने लिया था, उसमें से आधा आधा मैंने दूसरे रोल के लिए बचा दिया। इसे फोर्क से फैलाएंगे ऐसे कीमा, क्योंकि जब मैंने कुटा है तो वो एक जगह पे हो गया है, गट्ठा हो गया है, तो उसे मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रगड़ा कि वो जो मसाला नींबू वगैरह था वो इस कीमे में भी आ गया। ये है मेरे पास प्रोसेस चीज़ है, इसे मैं इसके ऊपर रगड़ दूंगी। 200 ग्राम का क्यूब है, आधा क्यूब मैं इसके अंदर डाल दूंगी।
इस तरीके से ग्रेट करके। अगर आप क्रीम चीज़ यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी जगह पे आप क्रीम चीज़ यूज़ कीजिए। मुझे आज क्रीम चीज़ नहीं मिली है तो मैंने प्रोसेस चीज़ ली है। इसे फैला दिया, इसके ऊपर से मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस तरीके से इसके ऊपर रब करूँगी कि वो चीज़ कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट आपस में मिक्सचर हो जाएगा। उसके ऊपर से थोड़ा और चीज़ डालूँगी। चीज़ को मैंने ग्रेट करके डाला है। क्रीम चीज़ को आप चम्मच की मदद से पेस्ट की तरह लगा दें और इसके ऊपर भी थोड़ा सा नमक छिड़क दूँगी, तो उससे क्योंकि इसमें नमक बहुत कम है चीज़ के अंदर, तो मैंने ये डाल दिया। अब ये काली मिर्च भी छिड़क दी थोड़ी सी और अब ये रोल होने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें जितने मसाले लगाने थे सब लग चुके हैं, तो अब इसे फोइल की मदद से इस तरीके से उठाते हुए मैं रोल करती जाऊंगी। एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको कि मैं चिकन को जब भी हाथ लगाती हूँ तो फिर हाथ को धोए बगैर किसी और चीज़ को नहीं पकड़ती हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा है कि क्योंकि वो वीडियो में नहीं दिखाई देता है मेरा हैंड वॉश करना। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे फोइल में रैप कर दिया, पूरा रैप हो गया, इतना बड़ा सा मोटा सा रोल बन गया। अब दोनों साइड से इसका मुंह बंद कर दूंगी, तो मुंह भी बंद हो गया और ये पूरा चिकन और चीज़ और मसालों के साथ मिक्सअप होकर ये पूरा रोल बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी बना दूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पकाना है इसे बिना ओवन के। देखिए, दोनों रोल मेरे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े से रोल बने हैं और ये इतने बड़े बड़े से रोल को मैं पकाऊंगी कढ़ाई में। मैंने ले ली है अपनी शर्मीली कढ़ाई, इसे गैस पे रख दिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी 2-3 टेबल स्पून ऑयल और 1 कप पानी डालूंगी। 1 कप पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसे स्टीम में पकाना है। तो मैंने इसके अंदर दोनों रोल भी रख दिए और अब मैं इसे ढक कर 45 मिनट तक पकाऊंगी। अब 5 मिनट तक मैं तेज़ आंच पे पकाऊंगी और 40 मिनट तक मैं इसे मीडियम और लो हीट के ऊपर पकाऊंगी। बीच बीच में इसे खोलकर पलट दूंगी। अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर से पानी थोड़ा और ऐड करूंगी। तो अभी मैंने इसे ढककर पतने चढ़ा दिया है और अब मिलते हैं 45 मिनट के बाद हम मिलते हैं। ये 45 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया और ये देखिए, ये इस शक्ल में बन के तैयार है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा हुआ है। बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त डिश बन के तैयार हुई है। पूरे घर में खुशबू आ रही है। मैंने इन्हें निकाल लिया और ये देखिए, इन्हें दबा कर देखती हूँ तो एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट से रोल बन के ये अंदर से तैयार हुए हैं। चाकू से इन्हें इस तरीके से कट करूँगी कि ये फोइल के अंदर रैप ही रहेंगे। फोइल में से खोलेंगे तो उसमें से जूसेस बाहर गिरेंगे, इसलिए फोइल को मैंने नहीं खोला है। फोइल के साथ में इसे कट किया है मैंने, एक एक रोल में 3-3 पीस किए और ये देखिए रोल के अंदर। अब इन्हें मैं गार्निश करके दिखाऊंगी कि मुझे इन्हें किस चीज़ से गार्निश करना है। तो वही इसका जो मैंने सीक्रेट इन्ग्रीडियंट बताया आपको, वो ये है। ये मैंने इन्हें एक प्लेट में, जिसमें प्लेट में मुझे सर्व करना है, उसमें इन्हें तीनों छः पीस हुए हैं लगा दिया। ऊपर से मैं थोड़ी सी और चीज़ डालूंगी, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ डालूंगी और इसके ऊपर मैं डालूंगी मक्खन। मैंने 50 ग्राम से ज़्यादा मक्खन को गरम करके पिघला लिया है और उसे इसके ऊपर डाल दिया। तो जब गरम मक्खन चीज़ के ऊपर पड़ेगा तो चीज़ भी पिघल जाएगी। इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी म्यूनीज। मैंने एगलेस म्यूनीज लिया है जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और इससे मैंने गार्निश कर दिया। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं रेड चिली फ्लेक्स से। और ये देखिए, सारे बन के तैयार हो गए हैं रोल्स और ये बहुत ही टेस्टी सी इवनिंग स्नैक आइटम है। इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं आप इसे। और ये देखिए, मैंने कट कर दिया और बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल गल के एकदम सॉफ्ट हो गई है और ये बन के तैयार हो गई है। तो मेरा वीडियो और डिश अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, अल्लाह हाफिज़।